ये कहानी है उन तीन जाबाज एस्ट्रोनॉट्स की जिन्होंने अपनी मौत को टालकर स्पेस से सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। साल 1970 में अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया जाता है। ये नासा का तीसरा मून मिशन था। पिछले दो मिशन की सफलता को देखते हुए इस मिशन पर ज्यादा किसी की नजर नहीं थी। इस मिशन को किसी टीवी चैनल ने कवर नहीं किया था क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट स्पेस मिशन में उतना नहीं था। इस मिशन में तीन एस्ट्रोनॉट थे जिसमें कमांडर जेम्स लोवेल, जैक स्वीगर्ट और फ्रेड हाइस सवार थे। मिशन बिल्कुल सही चल रहा था। वे पृथ्वी से 3,30,000 किलोमीटर दूर थे। तब कमांड सेंटर से उन्हें एक बार ऑक्सीजन प्रेशर फैन का बटन दबाकर प्रेशर चेक करने को कहा जाता है। स्वीगर्ट के बटन दबाने के कुछ देर बाद सर्विस मॉड्यूल में एक जोरदार धमाका होता है और मॉड्यूल की पावर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद कमांड सेंटर में स्वीगर्ट बोलते हैं, हॉस्टन, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मॉड्यूल के सारे इमरजेंसी मास्टर अलार्म बज रहे थे। उनके स्पेसक्राफ्ट का एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था और दूसरे टैंक का प्रेशर लगातार कम हो रहा था। फिर जेम्स लोवेल बाहर देखते हैं तो स्पेस में ऑक्सीजन लीक हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्पेसक्राफ्ट तीन हिस्सों में बटा हुआ था जिसमें सर्विस मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल था। लेकिन एक मॉड्यूल ऐसा था जो कि सेल्फ लाइफ सस्टेन मॉड्यूल था और वो लूनर मॉड्यूल था। लेकिन समस्या यह थी कि लूनर मॉड्यूल बहुत छोटा था और बड़ी मुश्किल से दो लोगों के बैठने की ही जगह थी। इसे कभी तीन लोगों के लिए बनाया ही नहीं गया था और उसमें केवल दो दिनों तक का ही ऑक्सीजन था। फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने जरूरी सामान और नेविगेशन डाटा लेकर लूनर मॉड्यूल में चले गए। ये खबर आग की तरह फैल गई जहां कोई भी टीवी चैनल इस मिशन को टेलीकास्ट नहीं कर रहा था। इस घटना के बाद सारे टीवी चैनलों पर अब सिर्फ यही न्यूज थी। पूरी दुनिया के लोग इस मिशन को देख रहे थे और कमांड सेंटर में बैठे लोगों का बस यही मिशन था कि किसी तरह उन्हें सही सलामत पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। अभी तक तो तीनों एस्ट्रोनॉट सेफ थे, परंतु मुसीबत तो अब आने वाली थी। कमांड सेंटर से उन्हें बताया जाता है कि उनके पास दो विकल्प हैं, या तो सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर को चालू करके अपना पाथ चेंज करके वापस आ जाए या फिर चांद का चक्कर लगाकर वापस आए। एस्ट्रोनॉट्स ने पहले की बजाय दूसरा विकल्प चुना क्योंकि अगर ये सर्विस मॉड्यूल को फिर से चालू करते तो इसकी क्या गारंटी थी कि कोई दूसरा धमाका ना हो। इसलिए उन्होंने चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसका चक्कर लगाने का फैसला किया क्योंकि इसमें इंजन पर सबसे कम लोड पड़ता। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी में पहुंचा तो उन्होंने अपने लूनर मॉड्यूल के थ्रस्टर को 34 सेकंड के लिए फायर किया ताकि स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को पृथ्वी की ओर मोड़ा जा सके। लगभग 2 घंटों के बाद वे चांद का चक्कर लगाकर पृथ्वी की ओर आने लगे, परंतु उनकी स्पीड इतनी धीरे थी कि पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन लग जाते। फिर उन्हें थ्रस्टर को चालू करने का ऑर्डर मिलता है ताकि स्पीड को बढ़ाकर टाइम को कम से कम किया जा सके, और एस्ट्रोनॉट्स वैसा ही करते हैं। और अब 3 दिन के बजाय 2 दिन का समय हो जाता है। लेकिन अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग अलार्म बजने लगता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर लगे हुए थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसमें लगे हुए कैनिस्टर सिर्फ 2 लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड को ही कंट्रोल कर सकते थे जो कि अब 3 लोगों के लिए काम कर रहे थे। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो भले ही वो अभी तक जिंदा थे, लेकिन अब जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनकी दम घुटने से मौत हो जाती। लेकिन कमांड मॉड्यूल में लिथियम हाइड्रोक्साइड के पर्याप्त कैनिस्टर थे जो कि उनकी लास्ट होप थी। फिर वे कमांड मॉड्यूल से कैनिस्टर को लेकर आते हैं, परंतु वो कैनिस्टर और लूनर मॉड्यूल के कैनिस्टर साइज में अलग थे। फिर एस्ट्रोनॉट्स ने जुगाड़ करके और कुछ प्लास्टिक और टेप लगाकर कैनिस्टर को फिट कर दिया और देखते ही देखते कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटकर नॉर्मल हो गया। लूनर मॉड्यूल को पावर उसमें लगी हुई बैटरी से मिलता था जिस पर लोड बढ़ चुका था, इसलिए वे फैसला करते हैं कि गैर जरूरी उपकरणों को वो बंद कर देंगे। वे मॉड्यूल के हीटर को भी बंद कर देते हैं जिसके कारण मॉड्यूल का तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उनके पास पानी और खाना भी लिमिटेड था, इसलिए उन्हें दिन में सिर्फ 200 ml पानी पीने को कहा जाता है। समय बीतने के साथ अब वे पृथ्वी के करीब आ चुके थे। तभी फिर उन्हें कमांड सेंटर से बताया जाता है कि उनका स्पेसक्राफ्ट का पाथ थोड़ा अलग है जो कि इस एंगल पर पृथ्वी के वातावरण में न जाकर बल्कि स्पेस में चला जाएगा, जिससे वापस आना नामुमकिन है। तभी मॉड्यूल में मेन नेविगेशन कंप्यूटर की बिजली चली जाती है और अब ये काम उन्हें मैन्युअली करना था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास ईंधन की भी कमी थी। फिर एस्ट्रोनॉट्स ने सूरज को रेफरेंस पॉइंट मानकर एंगल और डायरेक्शन को कैलकुलेट किया और पृथ्वी के नजदीक पहुंचते ही लास्ट टाइम थ्रस्टर को फायर किया
उनका कैलकुलेशन इतना सटीक था कि उनका पाथ और एक्चुअल पाथ में मात्र आधा डिग्री का ही फर्क था, और अब समय हो चुका था उस लूनर मॉड्यूल को छोड़कर कमांड मॉड्यूल में आने का, जिसने उन्हें अभी तक जिंदा रखा था। और अंत में कमांड मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है और पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो जाता है। परंतु अब दिक्कत यहां थी कि अगर ब्लास्ट के दौरान मॉड्यूल की हीट शील्ड को डैमेज पहुंचा होगा तो वे वातावरण में ही गर्मी के कारण मर जाएंगे। वातावरण में दाखिल होने के बाद उनका संपर्क कमांड सेंटर से टूट जाता है और फिर 4 मिनट बाद वे पैसिफिक ओशियन में सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। इस सफर में इन एस्ट्रोनॉट्स का 14 किलो तक वजन कम हो चुका था। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स एकता की मिसाल बन जाते हैं, जो कि इनके आपस में सहयोग और सूझबूझ से ही जिंदा बच पाते हैं। भले ही ये चांद पर लैंड न कर सके, परंतु आज तक ये पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स बन चुके थे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अलग सफर और अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।